दोस्तों आज हम आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम दिखाते हैं और पिछली अपडेट हमने गांधीनगर तक दी थी, आज हम उससे आगे की लेके चलेंगे। और दोस्तों यहां तक दी थी हमने, पीछे हम दिखा रहे हैं यहां तक की अपडेट थी ये पूरी अपडेट। और आज हम आपको यहां से लेके शास्त्री पार्क खजूरी पुल तक लेके चलेंगे, खजूरी चौक तक, और वहाँ तक की फुल अपडेट देंगे। देखते हैं कि कितने काम हो चुका, कितना प्रोग्रेस हुआ। और दोस्तों यहाँ हम जिस जगह हम ये खड़े हैं, ये पिलर की अपडेट हम पहली बार ही दे रहे हैं, क्योंकि इधर थोड़ा सा एंट्री दी थी, ये थोड़ा सा रास्ता यहाँ से बंद था, अंदर ही काम चलता था। और आज दोस्तों ये खुला हुआ है, तो आज हम तुम्हें यहाँ से आगे तक की अपडेट लेके चलेंगे। और ये देखें पियर कैप तो सारे तैयार हैं, और सेटमेंट दोस्तों यहाँ पर रखे हुए बने हुए काफ़ी, और ये क्रेने वगैरह भी हैं यहाँ पर काफ़ी लगी हैं, काम का जो प्रोग्रेस है काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए सेटमेंट वगैरह काफ़ी रखे हैं, और सेटमेंट तो दोस्तों बीच में भी बने रखे हैं काफ़ी, जो काफ़ी बने हुए रखे हैं, जिनका अब जैसे कि यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे वो क्रेन के द्वारा लाए जाएंगे उठा के, और सारे लगेंगे क्योंकि बने बनाए रहते हैं, इसको बना के पहले रख लेते हैं कहीं बीच बीच में जाल वगैरह। और इसकी हमने सेटमेंट की पूरे बनाने की वीडियो भी हमने डाली थी, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे बनी हुई थी कि कैसे इसको बनाते हैं, हमारे सामने ही काफ़ी बना रहे थे इसको जाल वगैरह देखे। और दोस्तों क्रेन वगैरह भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ये देखिए। और चलो दोस्तों अब आगे चलेंगे। और दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलो, और ये दोस्तों थोड़ा सा और आगे जो पिलर है, आगे जाके रेलवे की लाइन है और मेट्रो की भी लाइन है दोस्तों, उसको क्रॉस करेगा क्योंकि इसकी हाइट इसलिए थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। और दोस्तों क्रेन भी देखिए, काफ़ी बड़ी क्रेन खड़ी हुई इधर, क्रेनें भी काफ़ी दूर तक खड़ी हैं, काफ़ी बड़ी है। और दोस्तों काम की जो प्रोग्रेस है काफ़ी अच्छी है। आगे जाके जो रेल का पुल है और मेट्रो का पुल है उसको क्रॉस करेंगे। और दोस्तों आगे ये आगे रेल की पुल आ चुकी है, इसके नीचे से हट जाते हैं दोस्तों, ऊपर काम चल रहा है। ये देखिए दोस्तों उधर लोहे के सेगमेंट भी काफ़ी बने हुए रखे हैं, और ये रेल की लाइन आ गई। आगे दोस्तों ये मेट्रो है, ये आप देख रहे हो कि मेट्रो जा रही है। उधर मेट्रो भी जा रही है दोस्तों, ये जा रही है, इधर ये रेल की लाइन है। चलो दोस्तों उधर की साइड चलते हैं। और दोस्तों ये देखो लोहे के सेटमेंट रखे हुए, और ये काफ़ी दूर तक ये बने हुए, ये बना रहे हैं। ये देखिए चार पियर है और उसके ऊपर पियर कैप बनना, चार के ऊपर एक साथ। तो दोस्तों इस पे दरअसल में थोड़ा इसको रेलवे लाइन को क्रॉस करना है दोस्तों, यहाँ से लेके दोस्तों ये जो रेल की लाइन है इसके जो बिजली के तारों से ऊपर से क्रॉस करना है। क्योंकि एक्सप्रेस वे दोस्तों इसके ऊपर से गुजरेगा दोस्तों, ये देखिए काफ़ी हाइट से इसके ऊपर से गुजरेगा। ये थोड़ा सा और आगे का है दोस्तों, ये आगे, और इसके आगे जो मेट्रो है, मेट्रो के बाद दोस्तों फिर शास्त्री पार्क शुरू हो जाता है उधर, ये देखिए। इधर की अपडेट दोस्तों हमने बहुत पहले दी थी, जब नीचे पाइलिंग का काम चल रहा था और ऊपर कुछ नहीं था, पिलर ये पियर वगैरह कुछ नहीं, कोई बेस वगैरह कोई तैयार नहीं था, और दोस्तों तब आए थे। लेकिन अब इस पर काफ़ी काम हो चुका है क्योंकि इधर आने का कोई रास्ता नहीं था, अब थोड़ा सा रास्ता दिखाई दिया तो हम आए इधर दोस्तों बनाने के लिए। और ये काफ़ी दूर तक काफ़ी अच्छा काम हो चुका है, ये देखिए।
हम पूरी डिटेल से आपको काम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोहे के सेटमेंट दोस्तों यहाँ काफ़ी रखे हैं, और आप यहाँ से जाएंगे, ये जो सीधा आप देख रहे हैं ये लोहे का पुल, जो नया वाला लोहे का पुल बन रहा है दोस्तों, वो है ये, और उसी की यहाँ पे रेल की पटरी वगैरह जो बिछेंगी इसी पर बिछेंगी। ये आप सामने देख रहे हैं लोहे के, और ये वाली जो लाइन है ये दोस्तों ये पुराने वाले लोहे के पुल पर जाती है। ये वाली जो रेलवे लाइन है ये पुराने वाले लोहे के जो पुल है अंग्रेजों वाला, उसी के ऊपर से जाएगी। और उसके बगल में ही जस्ट दोस्तों एक दूसरा लोहे का पुल बन रहा है, वो भी काफ़ी सालों से बन रहा है लेकिन अभी तक दोस्तों वो कंप्लीट नहीं हुआ है। एक दोस्त का कमेंट आया था कि हमें उस पुल की भी अपडेट दें, तो दोस्तों किसी दिन हम उधर भी जाएंगे। वैसे तो यहीं सामने है लेकिन उधर अभी जा नहीं रहे दोस्तों। आज हम बस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का आपको अपडेट देंगे। अब चलो दोस्तों, फिर ये रास्ता जो आप देख रहे हैं यहाँ से सीधा, ये शास्त्री पार्क के लिए चला जाएगा। सीधा के सीधा सीधा रास्ता शास्त्री पार्क से पूछते होते हुए खजूरी पुल। अब चलो दोस्तों और आगे चलते हैं और आपको आगे की अपडेट देंगे। तो ये जो उधर दोस्तों ये रेल का जो पुल पार करने के बाद ये मेट्रो का पुल पार करा, जो सामने मेट्रो जा रही है, मेट्रो के पुल से दोस्तों ये है, और यहाँ से पिलर बनते हुए दोस्तों इधर से ये आगे जा रहे हैं पिलर, ये आगे पिलर बनेगा। इधर देखिए पियर कैप पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, सेटमेंट वगैरह दोस्तों अभी आगे लग रहे और इधर सेटमेंट नहीं लग रहे। और ये जो इलाका है पूरा शास्त्री पार्क का इलाका, आगे सेटमेंट भी दोस्तों लगने चाहिए। और दोस्तों ये नीचे के पियर कैप सारे कंप्लीट हो गए, और जो ऊपर की सेटमेंट वगैरह वो भी रख दिए, और सेटरिंग दोस्तों चालू हो गई है। फिर इसके बाद फिर लेंटर डलने के बाद दोस्तों फिर इसके ऊपर कंक्रीट का काम होगा। और दोस्तों अभी पीछे थोड़ा सा सेटमेंट वगैरह नहीं रखे गए, और आगे दोस्तों ये सेटमेंट रखने का काम चालू हो चुका है ये पूरा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों थोड़ा सा और आगे आ चुके, और ये इस समय शास्त्री पार्क ही है दोस्तों। ये देखिए पूरे सेटमेंट का जो काम है वो कर दिया, और आगे जाके जो पुल है उसको क्रॉस करेगा, जो सीधे सादरे की तरफ से आ रहा है गाजियाबाद की तरफ। और दोस्तों थोड़ा सा भीड़ भड़क्का का थोड़ा इलाका है, और थोड़ी सी यहाँ पे नॉन वेज वगैरह की दुकानें काफ़ी हैं हमारे पीछे की साइड ही। तो चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं आगे की तरफ। तो ये देखिए आप, ये जो सादरे वाला पुल है दोस्तों इसको क्रॉस करेगा ये, और यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है, नीचे कंक्रीट वगैरह भी काफ़ी गिर रही है। वैसे तो ये रास्ता रोका हुआ है यहाँ से, लेकिन पब्लिक फिर भी नहीं मानती। ये जो ये देखिए क्रेन से ऊपर सामान भी पहुँचाया जा रहा है, और वर्कर वगैरह भी इसी के थ्रू क्रेन के द्वारा ही पहुँचाए जाते हैं। इस पुल को ऊपर से क्रॉस करेगा, और आगे भी दोस्तों काफ़ी काम हो चुका है, आगे की अपडेट हमने काफ़ी दिन पहले दी थी। अब चलो आगे चलते हैं। और वैसे यहाँ पर लोहे के सेटमेंट वगैरह बने हुए रखे हैं, इधर ये काफ़ी सेटमेंट बने हुए रखे हैं। ये देखिए अब पुल को हमने क्रॉस कर दिया, पुल क्रॉस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पूरा जो एंड तक है बस पुल के ऊपर का जो सेटमेंट वगैरह वो रहेगी, और बाकी यहाँ पे सेटमेंट वगैरह का पूरा कम्प्लीट हो चुका है। ये आगे जाके पूरा सीधा खजूरी के लिए जा रहा है, पूछते करावल नगर वगैरह। दोस्तों काम की जो अपडेट है काफ़ी अच्छी है। अब चलो दोस्तों और आगे चलते हैं, खजूरी की तरफ चलते हैं, अब देखते हैं कितना काम है। और दोस्तों ये पीछे से बनता हुआ आ रहा है एलिवेटेड, और सीधे एक साइड में दोस्तों ये यहाँ से एलिवेटेड और दे दिया गया इसको सिंगल लाइन का, और यहाँ से दोस्तों ये इसकी एंट्रीज बना के एंट्री दोस्तों इधर से दी, और ऐसे घुमा के दोस्तों और ये सीधा इसके ऊपर ले आए, और ये फिर आगे सीधा दोस्तों आगे जाके ऐसे इसके साथ साथ जाके आगे जाके मर्ज होता चला गया। और काम की प्रोग्रेस अच्छी है काफ़ी, क्योंकि सेटमेंट वगैरह सारे रख दिए गए, और कुछ ही बीच में रखे हुए थे उधर रेलवे लाइन की तरफ क्लोजिंग में जो बचे थे, और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी जो सेटमेंट वगैरह सारे रख दी गई, आगे ऊपर जाके जो सेटिंग वगैरह भी कर ली है, और जो ऊपर का लोहे का जाल वगैरह वो भी हो चुका है। चलो अब आगे चलते हैं।
ये जो सामने देख रहे हैं ये ड्रेनिंग सिस्टम भी बनता जा रहा है और काफ़ी दूर तक दोस्तों ये अर्थवर्क का काम तो पूरा कंप्लीट, ये नीचे कोई काम नहीं चल रहा, पीछे से हम देखते आ रहे हैं सारा जो भी काम है दोस्तों अब ऊपर है और ऊपर जो क्रैश बैरियर का काम जगह जगह चल रहा है। और जैसे हमने पीछे पिछले वाली अपडेट में दिखाए थे जो प्लास्टिक की टीन जैसी चादरें जो लगाई जा रही साइड में वो लगाई जा रही है, ये दूर तक लगाई जा रही है। और यहाँ से देखिए ये वाला जो आ रहा था इसमें मर्ज होने के लिए दोस्तों इसके आगे अभी गैरिंग यहीं पे रुका हुआ है, या तो इसको यहीं पे इसको मर्ज कर देंगे या थोड़ा सा आगे तक लेके जाएंगे, क्योंकि आगे कोई प्लर वगैरह का कोई काम नहीं है, यहीं पे शायद इसको मर्ज करेंगे। इस पर यहाँ से एंट्री देंगे, शास्त्री पार्क से जो एंट्री मिलेगी दोस्तों इसी के पॉइंट के पीछे जो हमने दिखाया इसके इसी से पॉइंट से मिलेगी, क्योंकि जगह जगह एंट्री भी देंगे जगह जगह एग्जिट भी देना पड़ेगा, कई जगह ऐसी खजूरी चौक पे एंट्री भी दे रखी है दोस्तों शायद एग्जिट भी दे रखी है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। चलो आगे चलते हैं। और दोस्तों ये काफ़ी दूर चलने के बाद आप देख रहे हैं साइड में सारे क्रैश बैरियर लगते जा रहे हैं, नीचे का अर्थवर्क का काम पूरा कम्प्लीट है। और दोस्तों यहाँ पे सेटमेंट का काम रुका हुआ है दोस्तों, यहाँ पे इस बीच के पिलर के बीच में इस बीच के पिलर के लिए सेटमेंट नहीं रखी गई दोस्तों, वो उसका काम ही क्या है कि हमने देखा है पीछे हमने भी ध्यान नहीं दिया था दोस्तों, ये जो बिजली का खंभा आप देख रहे हो और ये जो तार आ रहे हैं बहुत नीचे हैं और ऐसी ये खंभा है, इसके जो बिजली के तार हैं दोस्तों ये जो बिजली के तार हैं इसी की वजह से दोस्तों ये सेटमेंट रखे नहीं जा रहे, जब तक ये तार वगैरह यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो जाएंगे तब तक ये सेटमेंट नहीं रखे जा सकते। और अभी शिफ्टिंग का कोई ऐसा हमें कोई बिजली का खंभा वगैरह बनता नज़र नहीं आ रहा जो थोड़ा हाइट पर बनाए, अभी हो सकता है इसमें अभी थोड़ा सा समय लग जाए, जब तक ये खंभों का काम जब शिफ्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये आगे इसका जो सेटमेंट का काम है ये रुका रहेगा। अब चलो आगे चलते हैं और देखते हैं और आगे काम की प्रोग्रेस, वैसे काम की प्रोग्रेस अच्छी है और बीच में जो दोनों सड़कों के बीच में जो नीचे सर्विस लेन पर पूरी जाली वगैरह भी आगे लगा दी है, नीचे अर्थवर्क का काम सारा कंप्लीट है। और जैसे कि ये थोड़ा थोड़ा काम जैसे यहाँ बिजली की वजह से रुक गया और बाकी आप देख रहे हैं ऊपर क्रैश बैरियर के लिए जो साइड में ड्रिलिंग करके जो ग्रिल लगाई जाती है वो भी सब लगनी शुरू हो चुकी है। चलो और आगे चलो, ये जो आप देख रहे हैं ये शायद बिजली का जो खंभा है इसको बना रहे हैं, इसका बेस वगैरह पूरा तैयार हो रहा है और क्योंकि ये वाला खंभा जो शिफ्ट होगा शायद इसी का ये हाइट लेने के लिए बना है। और ये थोड़ा सा और आगे आ चुके हैं और बीच में हमें कोई भी नीचे कोई अर्थवर्क का कोई काम नहीं मिला और अधिकतर सारे जो सेटमेंट वगैरह इसका जो लेंटर वगैरह सारा कंप्लीट ही था, पीछे हम सारा देखते भी आ गए दोस्तों, यहाँ कोई ऐसा जैसे ड्रेनिंग सिस्टम वगैरह का ही काम सारा पूरा कंप्लीट ही है और जो सड़क वगैरह जो पुरानी टूटी फूटी थी वो सर्विस लेन वो भी सारी ओके और बीच की जो जाली वगैरह है वो भी सारी। और शायद दोस्तों ये जो आप दूसरी साइड हमारे राइट साइड देख रहे हैं सड़क के दूसरी तरफ यहाँ से शायद एग्जिट के लिए भी बनाया गया पॉइंट, ये देखिए आपको आगे जाके ये डाउन करते जा रहे हैं और उस पर भी साइड में जो क्रैश बैरियर की चादरें हैं वो सारी लगनी चालू होगी और इस पर भी जो साइड की क्रैश बैरियर की जो चादरें वगैरह वो सारी लगनी चालू है। और जैसे कोई काम ऐसा नहीं था कि अनकम्प्लीट था, जो भी है अब दोस्तों ऊपर ही है काम अधिकतर, ऊपर अभी थोड़ी सी एंट्री नहीं है चढ़ने की, अगर जैसी होगी तो हम उसका ऊपर का काम दिखाएंगे। अब चलो और आगे चलते हैं और आगे आने के बाद ये देखिए यहाँ पे आगे जाके ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है, काफ़ी दूर तक ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है। और ये जो हम सड़क देख रहे हैं सर्विस लेन है और ये भी पूरी पहले टूटी फूटी थी थोड़ी आगे, अब ये भी कम्प्लीट कर दी पूरी नई बना दी गई है और आगे जाली वगैरह भी लगा दी है, कहीं कहीं बीच बीच में बची हुई है थोड़ी बहुत जाली, ये भी यू टर्न के लिए शायद इसको भी उन्होंने छोड़ा है, यहाँ से कोई यू टर्न के लिए रास्ते के लिए अभी वैसे इसको बंद ही कर रखा है। और वैसे कोई नीचे और कोई काम नहीं था, सारा लगभग कंप्लीट है और ये जो ड्रेनिंग सिस्टम का काम थोड़ा आगे चल रहा है बनता हुआ और सड़क वगैरह भी पूरी कम्प्लीट हो गई है। अब चलो और आगे चलते हैं, पेड़ वगैरह सारे कंप्लीट लगते जा रहे हैं और हम जो काफ़ी दूर तक देख रहे हैं सारे क्रैश बैरियर सारे कंप्लीट हैं और यहाँ पे काफ़ी दूर तक सड़क जो है काफ़ी अच्छी बना दी गई है सर्विस लेन, और देखो कितनी काफ़ी चौड़ाई पे बना दी गई है कम से कम, और यहाँ पे कोई
कथा वगैरह चल रही है, काफ़ी पब्लिक अंदर जा रही है, इसके अंदर भी कथा वगैरह चल रही है इसके अंदर। ये रोलर वगैरह भी खड़े हैं जिन्होंने कंप्लीट की, पूरी सड़क को रिपेयर किया गया, क्योंकि आगे ये तो यहाँ तक तो कर दिया, इससे आगे की सड़क अभी बची हुई है, वो भी अब शायद हो सकता है एक दो दिन में इसको भी सर्विस में इसको भी कम्प्लीट कर दें आगे, क्योंकि आगे जाके थोड़ा खजूरी का पुल है, वहाँ पर थोड़ा सा अभी काम रुका हुआ, काफ़ी काम बचा हुआ है। और चलो और आगे, और ये थोड़ा सा और आगे आ चुके हैं, ये पीछे से पूरा लगभग सारा कंप्लीट है, और थोड़ा सर्विस रोड बची हुई है, बाकी वो सर्विस रोड का भी बीच बीच में काम चल रहा है रिपेयरिंग का, और बाकी ऊपर ही काम चल रहा है, नीचे कोई अर्थवर्क का कोई काम नहीं है। और ये थोड़ा आगे का है, और यहाँ पे देखिए ये जो शायद ये एग्जिट के लिए एक अलग से बनाया जा रहा है, यहाँ से शायद इसको आगे जाके ज्वाइंट कर देंगे कुछ, अभी जैसे जैसे बनता चला जाएगा वैसे वैसे पता चलता रहेगा। और यहाँ से एग्जिट करके शायद यहाँ से जैसे शास्त्री पार्क पे एंट्री दी थी इस पर चढ़ने के लिए, शायद यहाँ से एग्जिट दे रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि आगे थोड़ा खजूरी का पुल है थोड़ा सा आगे जाने के बाद, और वहाँ से एग्जिट है, तो इसीलिए ये अलग से एक एलिवेटेड बनाया गया दो लेन का। और आगे चलो, आगे चलते हैं, ये देखिए क्रेन वगैरह भी लगी हुई है, आगे सेटिंग वगैरह का काम हो चुका है, और सेटमेंट वगैरह तो सारे कंप्लीट है, क्रेन वगैरह से ऊपर के सामान पहुँचाने के लिए, और दोस्तों क्रेनें मजदूर वगैरह भी इसी में बैठ के ऊपर पहुँचाए जाते हैं क्रेन में, और आगे जाके ये साइड साइड पे जो एलिवेटर निकल रहा है ये यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, आगे जाके एंट्री शायद वहाँ पर शास्त्री पार्क पर आपको दिखाई दी, और एग्जिट आगे जाते हैं। ये थोड़ा सा और आगे आ चुके हैं, और यहाँ पे इनकी वर्कशॉप बनी हुई है, ये यहाँ पे सेटमेंट वगैरह सारे यहीं पे बनते थे, और ये काफ़ी सेटमेंट अभी भी काफ़ी बहुत सारे सेटमेंट आप देख रहे हैं रखे हुए यहाँ पे, काफ़ी सेटमेंट बने हुए रखे हैं। और ये सामने आप जो देख रहे हैं खजूरी का पुल है, और यहाँ से पिलर की जो हाइट दोस्तों इसलिए ली गई है, यहाँ पे आगे जाके एक मेट्रो का पुल है और एक खजूरी का पुल है, उसको आगे जाके क्रॉस करेगा, तो इसलिए ये जो एक्सप्रेसवे की जो हाइट है काफ़ी अच्छी ली गई है, आप पिलर की हाइट देखो कितनी है, और इसका जो अगला पिलर है वो थोड़ा थोड़ा हाइट है उसके आगे पिलर से, और ये यहाँ से एलिवेटेड डाउन हो जाएगा, ये ड्रेनिंग सिस्टम वगैरह सारा बनता हुआ जा रहा है। पिछली बार से यहाँ की अपडेट अच्छी है, काफ़ी काम की प्रोग्रेस है, और ये सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आगे जाके मेट्रो का ये जो आप देख रहे हैं अभी से, और आगे चलो, ये खजूरी के पुल पे दोस्तों इस समय, ये यहाँ से डाउन होने लग गया, ये खजूरी का पुल है, और यहाँ पे दोनों साइड क्रेन लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है, जो बीच का जो इसका सेटमेंट है उनको रखने का काम स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको सड़क में रोकने के बाद तब रखा जाता है, और हाइट भी काफ़ी अच्छी है, और क्रेन की आप देखेंगे तो काफ़ी हाइट वाली क्रेन है, ऐसे नहीं है, और जिस पर हम ये चल रहे हैं इस समय, ये वाला जो आ रहा था एलिवेटेड उसके साथ में ये यहाँ के डाउन हो गया है, और जिसका एक काम चल रहा है, इसमें क्रैश बैरियर का काम भी चल रहा है, और पिछली अपडेट में इतना काम नहीं था, नीचे ही था क्रेन वगैरह, लेकिन अब आप देखोगे तो काफ़ी काम हो चुका, क्रैश बैरियर वगैरह के पड़े हुए, और काफ़ी देखो ये क्रैश बैरियर का काम भी चल रहा है सरिये वगैरह का, थोड़ा डाउन के लिए ये सिंगल लेन की सड़क है, काफ़ी बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें जो क्रैश बैरियर है जो तख्ते वगैरह वो भी लगने चालू हो गए, और वो सामने सीधा जो जा रहा है वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, और आगे जाके ये तो आप देखोगे थोड़ा सा ये इस तरह का, ये आगे मेट्रो का पुल है इसमें,
इधर दोस्तों मेट्रो का भी काम चल रहा है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का भी काम चल रहा है। तो उसी को क्रॉस करने के लिए ये काफ़ी हाइट ली गई थी और सेटमेंट रखने भी चालू हो चुके हैं। और दोस्तों यहाँ से ये सड़क ऐसे जाके टाउन हो जाएगी आगे जाके, आगे जाके ये एग्जिट के लिए, एंट्री के लिए शास्त्री पार्क पे था। और आज की जो अपडेट है यहीं तक देंगे, आगे की अपडेट हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।